Hello? Excuse me? Hello? Excuse me? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तबस्सुम आप हैं? जी आप जिब्रान हैं, जन्नत जी ने आपको भेजा है. जी उन्होंने मुझे आपको कुछ सामान देने को कहा था. जी जी उन्होंने बताया था. ये उनका बैग है और ये उनके पासपोर्ट्स, ये प्लीज संभाल के रखिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैं आपके घर पे खड़ा हूँ. हाँ मेरी तबस्सुम जी से बात हो गई है. हाँ मैंने आपका बैग और पासपोर्ट उन्हें दे दिया. ओके अल्लाह हाफिज. चले मैं चलता हूँ. अल्लाह हाफिज. तबस्सुम जी इतने दिनों बाद याद आई तुझे अपनी सहेली की. लो तू तो मुझे हर वक्त याद रहती है. हाँ हर वक्त याद रहती है. अगर रहती होती तो तू मुझे महीने बाद मिलती. सुबह को नौकरी पे जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, वक्त कहाँ मिलता है. हाँ भाई अब तुझे वक्त कहाँ मिलेगा अपनी दोस्त के लिए. अब तो तू जन्नत अली खान की जन्नत में जो रहती है तो तुझे कहाँ याद आएगी अपनी जिंदगी, है ना. मैं तुझे कहती थी ना कभी ना कभी मैं जन्नत अली खान से सिर्फ मिलूंगी नहीं बल्कि उनके साथ भी रहने लगूंगी. और अब देख. अच्छा जी तो इसका मतलब है कि तू सबको भूलना शुरू हो गई. कहाँ भूलना शुरू हो गई. पता जब मैं वहाँ जाती हूँ ना मुझे वहाँ किसी का ख्याल ही नहीं आता. वो एक अलग ही दुनिया है. अमीरों की दुनिया मैडम. हाँ अमीरों की दुनिया चंदा. वहाँ पे सब कुछ है और हर चीज बहुत ज्यादा है. मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो. नहीं हो सकती. वो कुछ और तरह के लोग हैं, हम कुछ और तरह के लोग हैं और अल्लाह ने ना उन्हें सब कुछ दिया है. चल छोड़ना ये बात. मुझे उनकी घर की खबरें दे. कौन कौन आता है, क्या क्या करते हैं वो लोग. चंदा जो शो पर आती है ना वो कोई और जन्नत है. जिसके पास मैं रहती हूँ वो कोई और जन्नत है. ये तो बड़ी अजीब सी बात बताई तूने. अच्छा और बताना और क्या क्या करती है वो. तू क्या क्या करती है बताना. क्या जानना है तुम्हें, तुम पूछती जाओ मैं बताती रहूंगी. तुझे तंग तो नहीं करती सर. ढांगती तो नहीं है. और खाना पीना सब टाइम पे मिलता है ना. ये कैसे खा रही हूँ. कल के शो के प्रॉप्स रेडी. जी सब रेडी है. बस कुछ हल्का सा आर्ट डायरेक्शन का इशू हो रहा था बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ. Are you sure? जी बिल्कुल ठीक है. मुझे दिखा देना. Done. तुमने ज्वाइन कर लिया. जी मैंने ज्वाइन कर लिया. चलो अच्छी बात है. मेक श्योर करना कि इसको हमारे शो के ही डिपार्टमेंट में डाला जाए. ठीक है बिल्कुल. एचआर वालों से बात कर लेना. ठीक है डन है. मैं कर लूंगी. लेकिन अगर आप बात करेंगी एचआर वालों से तो ही कुछ होगा. मेरे कहने से क्या होगा. चलो ठीक है मुझे याद करवा देना. डन ठीक है. बहुत शुक्रिया. आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मेहरबान हो रही है इस पर. वजह पूछ सकती हूँ मैं. पहले तो तबस्सुम से मसला था अब इससे मसला है. जाहिर है होगा. आपको पता है मैं यूं हर वक्त हर चीज से आपको वार्न करने वाली. हाँ लेकिन इनके बारे में वार्न करने वाली कोई बात नहीं है. इनकी जोड़ी अच्छी है. अगर बन गई तो ना. मैंने बहुत मंगियां और लव मैरिजेस टूटते देखी हैं. अंजलि फजूल मत पको. Thank you.
पर यार सोना सानू दिस जावे बल बल जावा जदों साढ़े वल आवे असा हुण तुप्पे बैके तैनू देती छावे कीती तेरे नाल असा अपने जाण शुक्र है कि तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। बड़ी दुआएं, बड़े वजीफे किए मैंने, पर इस दफा मामला जल्दी हल हो गया। बस इस बार तबस्सुम काम आ गई। हाँ बेटा, माँ की दुआएं, माँ के वजीफे, वो तो किसी शुमार में ही नहीं है। अब तो सब कुछ तबस्सुम के दम से है। अरे नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ आपकी दुआओं से तो होता है। बस रहने दे, ज्यादा मक्खन ना लगा मुझे। वैसे मैंने तो अब सोच लिया है कि तेरी पहली तनख्वाह जब आएगी ना, मैंने जाकर तस्नीम से बात करनी है तेरे और तबस्सुम के रिश्ते के लिए। भाई उन्होंने अब नसीम की तारीख तो रखी ली है, मैं कहूंगी साथी बिट्टो की भी रुख्सती करते हैं, उनका बोझ भी हल्का हो जाएगा, हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। चावल दूं तुझे? नहीं नहीं मैं ले लूंगा। चलो रोटी ले ले।